अलग से वो चल रहा है। हालांकि उसको कह दिया गया है कि ये मतलब कांग्रेस का वो नहीं है, इसको कार्यक्रम में ही माना जाएगा, लेकिन लगातार एक अलग खेमा फिर से शुरू हो। कोई बात नहीं, क्या है, कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे हैं ना। अरे लेकिन दीपक जी ने तो कहा कि हम इसको नहीं, वो तो वो तो दीपक जी बताएंगे, लेकिन ऑफिशियल कार्यक्रम मैंने बता दिया, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस चल रही है। बाकी और किसी अपने तरीके से कोई कांग्रेस को मजबूत करे तो हमारे कोई एतराज नहीं। सर आपको क्या लगता है कि अनुशासनहीनता है या नहीं, क्योंकि हरियाणा के वो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हैं, किसी के भी वो इस बारे में नहीं, वो तो पार्टी देखेगी। बाकी मेरे को कोई जहाँ, तो मैं पहले भी कहा था ठीक है, जो भी अपने तरीके से कांग्रेस कांग्रेस होते हैं, इस चीज का इम्पैक्ट जो है बता दिया ना मैं, नहीं नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं, कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस की कोई मुखालफत थोड़ा कर रहा है, सब कांग्रेस के अपने तरीके से कर रहा है। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कई बार जो है सीएम के नाम से नारे लगने शुरू हो जाते हैं, इस तरह जो कार्यक्रम होते हैं सीएम के नाम से नारे लगने शुरू हो जाते हैं, तो क्या संगठन पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई कार्यकर्ता किसी को बनाना चाहता है, कोई आपको बनाना चाहिए दे देना, नारे मेरे को क्या एतराज है, किसी को क्या एतराज है, कोई आपके लगाएगा कोई इसके लगाएगा, वो तो कार्यकर्ता की भावनाएं हैं अपनी, भावनाएं हैं अपनी। सर अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जल्द, शायद कल ज्वाइन कर ले, मर्जी है तो हर व्यक्ति की अपनी मर्जी है, किस पार्टी में रहना है किस में नहीं रहना। उन्होंने यही कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नजदीकियां बढ़ रही है कांग्रेस के साथ उससे वो नाराज है, सर उनको पता होगा जो उन्होंने कहा होगा। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि चंडीगढ़ में इलेक्शन में ये गठबंधन हुआ है, देखने को जो कल मिला, जो हालात थे जिस तरीके के, पवन बंसल जी ने भी इस चीज की बड़ी वो करी, बोले कि डर गए, तो अब हरियाणा में कैसा रहेगा? हरियाणा में तो कांग्रेस सब में सक्षम है, दस की दस लोकसभा में बताया ना, वो तो अभी तो कोई चर्चा ही नहीं है ना हरियाणा में, हरियाणा कांग्रेस जो है खुद में सक्षम है 10 की 10 लोकसभा लड़ने का और असेंबली के भी चुनाएंगे। नहीं, पार्टी कोई राम से अलग थोड़ा ही है, राम सबके हैं, सारी पार्टियों के हैं, जो जो जिस ये तो अपनी आस्था की सवाल है, तो ये जिस तरीके से निमंत्रण दिया है इस पे नहीं जा रहे हैं, चलो वो तो उनकी वो है, मेरे पास तो कोई निमंत्रण आया नहीं, मैं उस हाइपोथेटिकल सवाल का क्या जवाब दूंगा, मैं पहले भेजो फिर मैं दे दूंगा जवाब, पहले आप भेज दो, पहले मेरे को भेज दो, मैं तो जब राम बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा, राम सबका है, हाँ फिर क्या है, पहले भी बुलाया था जो भाई वो उनका काम है, मेरे को कोई इस बात की वो नहीं है, क्योंकि कोई नथिंग, देयर इज नथिंग टू हाइड, ना मेरे पास है, जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा, वो तो उनका काम है। तो ये क्या है, बदले की कार्रवाई के तहत हो रहा है ये राजनीति, ऐसा है, ये उनका काम है और जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाऊंगा मैं। सर हरियाणा में जो एफपीओ, मैं कानून मानने वाला आदमी हूँ, कानून जानता हूँ और इस पे जुडिशी पे मेरा पूरा विश्वास है। अभय सिंह चौटाला कहना है कि जो जमीन घोटाले आपकी सरकार में कथित तौर पे उसके बारे में सबको पता है, उसके ऊपर बड़ा सा जवाब उन्होंने, कौन सा घोटाला हुआ, कौन सा कथित तौर, कौन सा बताए तो सही, बताए सही जब जवाब दूंगा। सर 22 तारीख को जिस तरह से वो कह रहा है एक्वायर करके, जो मैंने पढ़ा कॉलोनाइजर को दी, 1 इंच नहीं दी हमने, सफेद झूठ बोलने की आदत है जिसको, मैं क्या करूंगा, मतलब ये कहा जाता है सर कि भाई बता दिया हमने, एक इंच भी नहीं दी प्राइवेट बिल्डर्स को हमने, समझे, मैं असेंबली में भी कह चुका हूँ ये बात, एक्वायर करके 1 इंच भी प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन नहीं दी हमने। सत्य सटीक बेबाक